नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम बात करेंगे सुपरवाइज रिवीजन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 5000 प्लस वन लाइनर की इस पूरी सीरीज़ के पार्ट 10 में, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर के फॉर्म में हम देखेंगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो आप लोग हमसे करते हैं कमेंट के माध्यम से कि जो ये पूरी सीरीज़ है आखिर में किस एग्ज़ाम के लिए है। तो दोस्तों आपको बता दें, कोई भी वन डे एग्ज़ाम जिसमें जीके या जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, स्वयं भी देख सकते हैं। आपके घर में कोई और भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है किसी भी एग्ज़ाम का जिसमें जीके जीएस आ रहा है, तो उनको भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों का संकलन है वो इस प्रकार से संकलित किए जा रहे हैं कि जितने भी फैक्ट्स हैं वो या तो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या उन फैक्ट्स के आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है। दूसरा प्रश्न है कि आप में से पूछते हैं सर क्या यूपीएचएससी के लिए है कि नहीं, तो आपको बता दें कि यूपीएचएससी इसमें आप आज के वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और ख़ुद ही आप इसका आकलन कर लीजिए कि इसके कितने फैक्ट्स हैं जो यूपीएचएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, खासकर पर्यावरण और पर्यावरण के अतिरिक्त हम इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय संस्कृति की विशेषताएँ, भारत का सामान्य भूगोल, खेती और उद्योग धंधे, व्यापार, बैंकिंग, इतने आपका हो गया। इसके अतिरिक्त जो है भारतीय संविधान, ये भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, ये सभी ऐसे टॉपिक हैं जो यूपीएचएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बीच बीच में आज की वीडियो में हम देख भी लेंगे कितने फैक्ट्स हमको मिलते हैं, क्योंकि देखिए ये जो पीडीएफ है वो मैंने आज नहीं बनाई, ये पीडीएफ तो लगभग हमने एक सप्ताह पहले तैयार कर ली थी, आज ये वीडियो आपको मिलने जा रहा है। और ये कमेंट चूँकि आज आया है तो इस पीडीएफ में ही चेक कर लेंगे कितने सारे फैक्ट्स हैं जो यूपीएचएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालाँकि आने वाले 10 सितंबर 2021 से, यानी आज से 10-12 दिन बाद से, आपको एक सेपरेट वन लाइनर सीरीज़ भी मिलने वाली है यूपीएचएससी के लिए। तो अगर आप यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस सीरीज़ को देख रहे हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपको लाभ ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं। और चूँकि इस वीडियो में हम आपको ये भी इंडिकेट करते जाएंगे कि कौन कौन से फैक्ट्स यूपीएचएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं भी इसको इसी बहाने देख लूँगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो यूपीएचएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हालांकि जो जीआईसी के एग्ज़ाम है, आने वाले समय में जीडीसी का एग्ज़ाम होगा या अन्य कोई वनडे एग्ज़ाम है जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो उसके लिए तो पूरी सीरीज़ ही पूरी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट हो सकता है। धूमकेतु की खोज की थी एडमंड हेयर ने, देखिए ब्रह्मांड यूपीएचएससी में, तो इसलिए ये पॉइंट यूपीएचएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों संबंधित विभिन्न आयोगों का सही क्रम क्या है? अब ये प्रश्न चाहे तो शिक्षण के अंतर्गत यूनिट 2 में पूछ लिया जाए यूपीएचएससी में, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत पूछ लिया जाए, तो पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बन सकती है यूपीएचएससी में भी। ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों संबंधित विभिन्न आयोगों का सही क्रम क्या है? वुड्स का घोषणा पत्र 1854, हंटर आयोग 1882, सेंडलर आयोग 1917 और सार्जेंट आयोग 1944। आपको एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों में बहुत सारे लोग जिन लोगों ने नोट्स लिया है, कभी कभी हमसे पूछते भी हैं, तो आपको बता दें जो सार्थक क्लासेस के नोट्स हैं यूपीएचएससी के लिए वो आपको जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर तैयार किए गए, जो आपका पाठ्यक्रम है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है। हालांकि कभी कभी पाठ्यक्रम से हट के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि अगर टीचिंग वाले पोर्शन में जाते हैं वहाँ पर एक लाइन है यूजीसी से संबंधित, यूजीसी की उच्च शिक्षा में जो है भूमिका क्या है, तो उसमें पूरा यूजीसी का जितना भी फैक्ट्स हो सकते थे उनको हमने संकलित किया है। हालांकि कुछ प्रश्नों में उससे इतर शिक्षा संबंधित कुछ आयोग भी पूछे गए हैं, तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं जिनको किसी कारणवश नोट्स में नहीं शामिल किया गया है उन सब की पूर्ति हम करेंगे जो वन लाइनर हमारी सीरीज है उसके द्वारा। आगे बढ़ते, पंपास का घास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित है जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में, विद्रोह भी कुछ पूछ लिए जाते हैं यूपीएचएससी में, पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए थे। जल में किसी प्रकार के अवांछनीय गैसीय द्रव्य या ठोस पदार्थों का मिला क्या कहलाता है? तो जल प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण पर्यावरण के अंतर्गत जो आपकी इकाई 3 यूपीएचएससी में, इकाई 4 है, वो पर्यावरण संबंधित है, तो वहाँ पर प्रदूषण वगैरह की भी बात की जा रही है, तो ये प्रश्न यूपीएचएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था 22 जुलाई 1947 को, संविधान संबंधित प्रश्न यूपीएचएससी में पूछा जा सकता है। भारत सरकार का प्रथम युद्ध अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। भारत में पशुओं के प्रजनन कहते हैं स्टॉक फार्मिंग, आप देखते जाइएगा यूपीएचएससी के हिसाब से। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ हुआ था 1870 ईस्वी में। उद्योग व्यापार ये सारा कुछ यूपीएचएससी में है।
आदि धम्म पिटक, विनय पिटक तथा सूत्र पिटक प्रमुख ग्रंथ संबंधित है। बौद्ध धर्म से भारतीय संस्कृत की विशेषताओं के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है। और अगर जीएस की बात करें अन्य एग्जाम में, तो वहाँ इतिहास के अंतर्गत ये प्रश्न बनता है। हरे पेड़ पौधों में भोजन उत्पादन की जैव रासायनिक क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पृथ्वी का कवच है वायुमंडल। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। भारत की संचित नीति पर नियंत्रण होता है संसद का। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने 4 अगस्त 1944 ईस्वी को। देखिए, ये जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था, ये एक डिस्कशन वाला क्वेश्चन है, तो जब इसको आप सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको इसमें और भी कुछ फैक्ट्स मिले, तो आप देख लीजिए कुछ की। मुझे याद है कि जब हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हम लोग तैयारी कर रहे थे और उस समय हम लोगों का ऐप नहीं था, तो उस समय इस प्रश्न पर काफ़ी डिस्कशन भी हुआ था, तो कुछ और भी नाम वहाँ पर निकल के आ रहे थे अलग अलग तरह से, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चूँकि यहाँ पर यह प्रश्न है तो ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, इसलिए वन लाइनर में यहाँ पर ये फैक्ट्स है। हिमाचल के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती व्यास नदी भारत के सामान्य भूगोल के अंतर्गत ये प्रश्न हो सकता है या वहाँ से प्रश्न है, तो यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। विश्व का पहला देश जिसने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार वर्ष 1966 में उपलब्ध कराया था? स्वीडन। में पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ओजोन परत की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती है, तो ये मौसम के हिसाब से कैसे बदलती? बसंत ऋतु में मोटाई सबसे ज़्यादा और वर्षा ऋतु में जो है सबसे कम होती है। गोखले माई पॉलिटिकल ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी के। देखिए, अभी तक मोस्टली फैक्ट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक हमने देखा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है, ये भी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स। मौलिक अनुसंधान के आधार पर मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिया प्याजे ने। विष्णुगण जल विद्युत तथा तपोवन परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की, जिसके कारण उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था वर्ष 1908 में। राज्य सरकार द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में हुई थी। हरित क्रांति का विचार नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था, जबकि भारत में हरित क्रांति को डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने सफल बनाया था। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद 1987 में अस्तित्व में आया। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण दिया था एशियन वैज्ञानिक मेंडलिव ने 1869 ईस्वी में। लिपि समिति का गठन किया गया था 1945 में नागरी प्रचारिणी सभा ने के द्वारा। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम द्वारा राज्यों में लागू की गई थी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अंत नंगा फकीर कहा था। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष अनुच्छेद 58(a) के अनुसार। तो एक बार इस पेज में भी देख लीजिए, आपके जो क्वेश्चन है यहाँ से जहाँ से हम देखते आ रहे हैं इसको देख ही लेते हैं। देखिए, 483 से लेकर के 487 तक ये फैक्ट तो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ इसके ऊपर के भी जो हैं ये भी सभी फैक्ट्स जो हैं, चाहे 480 वाला ले लें, 479 हरित क्रांति, 478, 477, 476, यानी एक या दो पॉइंट छोड़ के सभी पॉइंट जो है यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? तो 14 थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था की गई है। सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था, तो किसने दिया था? जय प्रकाश नारायण जी ने। भारत में न्यायपालिका संघीय संविधान की एकमात्र संरचिका है। भारत में सर्वाधिक भेड़ मिलती है आंध्र प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है कोचीन शिपयार्ड। संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी, और कब की थी? 1924 में कानपुर में। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने अपने फारस तथा अफगानिस्तान के प्रवास के दौरान रखी थी। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता। देखिए, ब्रह्मांड है यूपीएससी में,
तो ब्रह्मांड है, तो इसका मतलब नहीं केवल ब्रह्मांड के विषय में ही पूछा जाएगा, उससे संबंधित जो घटना है वो भी पूछी जा सकती है। तो ये भी पॉइंट यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक एवं प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे, और यूपीएससी के लिए भारतीय संस्कृत की विशेषताओं के अंतर्गत जिन लोगों ने पहले भी पेपर दिया है, प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं आपने, अगर जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उनका अगर अध्ययन किया है, तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कौन कौन से पॉइंट इस पूरे जीएस की सीरीज में यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था विश्वेश्वरैया ने, तो ये पॉइंट है, इनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए वन लाइनर अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं तो इससे आपको बहुत अधिक फायदा होने वाला नहीं है, तो वन लाइनर आप जब भी पढ़ें कम से कम एक से दो बार उनको रिवाइज जरूर करा लें कर लें। तो एक बार तो मैं आपको रिवाइज ही करा देता हूँ इस वीडियो में। धूमकेतु की खोज की थी एडमंड हेग ने, ब्रिटिश शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों संबंधित विभिन्न आयोगों का सही क्रम, बूट का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, सेंडर आयोग और सार्जेंट आयोग। पंपास घास का मैदान जो है अर्जेंटीना में स्थित है, जो कि शीतोष्ण कटिबंधी घास का मैदान है। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में, जल में किसी प्रकार के अवांछनीय गैसी द्रवीय ठोस पदार्थ का मिलना क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। भारत में पशुओं के प्रजनन को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ हुआ था 1870 ईस्वी में। अधिधम्म पिटक, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध धर्म से। हरे पेड़ पौधों में भोजन उत्पादन की जैव रासायनिक क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पृथ्वी का कवच वायुमंडल, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। भारत की संचित नीति पर नियंत्रण होता है संसद का। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने 4 अगस्त 1944 ईस्वी में। हिमाचल के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती व्यास नदी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, सुभद्र था। विश्व का पहला देश जिसने अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार वर्ष 1966 में उपलब्ध कराया था, स्वीडन। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती है, बसंत ऋतु में मोटाई सबसे ज्यादा जबकि वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। मौलिक अनुसंधान के आधार पर मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिया प्याजे ने। विष्णुगण जल विद्युत तथा तपोवन परियोजना उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। वर्ष 1905 में हुए बंगाल विभाजन की अरविंद घोष ने अपने पत्र वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना की थी, जिसके कारण उन्हें 1908 में जो है जेल में बंद कर दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में हुई थी। हरित क्रांति का विचार नॉर्मन बोरलॉग ने दिया था, जबकि भारत में हरित क्रांति को डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने सफल बनाया था। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद 1987 में अस्तित्व में आया था। तत्वों का प्रथम आवर्ती वर्गीकरण दिया था एशियन वैज्ञानिक मेंडलीम ने 1869 ईस्वी में। लिप समिति का गठन किया था 1945 में नागरी प्रचारणी सभा ने। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था सर्वप्रथम 1919 के अधिनियम द्वारा राज्य में लागू की गई थी। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का उपयोग करता है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष अनुच्छेद 58(1) के अनुसार। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल सदस्य थे 14। भारत सरकार अधिनियम 1935 प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई थी। सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। भारत में न्यायपालिका संघीय संविधान की एकमात्र संरक्षिका है। भारत में सर्वाधिक भेड़ मिलती है आंध्र प्रदेश में। देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है कोचीन शिपयार्ड। संसद के उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1924 में कानपुर में की थी। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने अपने फारस तथा अफगानिस्तान के प्रवास के दौरान रखी थी। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक एवं प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था विश्वेश्वरैया ने। अंत में दोस्तों, जब भी आप वीडियो देखा करें सार्थक क्लासेस की, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लिया करें, और वहाँ पर देखिए एक बार वीडियो अपलोड करने के बाद यदि कोई करेक्शन है तो वीडियो में पॉसिबल नहीं, और चूंकि मैं भी ह्यूमन बींग्स हूँ आपकी तरह, गलती होने की पूरी चांसेस बने रहते हैं। तो अगर हालांकि मैं बहुत सावधानी रखता हूँ कि इस तरह कोई मिस्टेक ना होने पाए, फिर भी अगर कोई मिस्टेक मुझे भविष्य में इंगित होती है तो उसको मैं कमेंट में जाके पिन कर दूंगा। तो जब भी आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे सबसे ऊपर आपको पिन वाला कमेंट दिख जाएगा,
और ज़रूरी नहीं कि मैं ही टाइप करके उसको प्रिंट करूँ, आप में से बहुत सारे लोग जो है अगर आपको कहीं गलती नज़र आती है तो आप कमेंट करते तो आपको थैंक्स बोलते हो, उस कमेंट को मैं जो है वहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। तो जो भी पिन हो कमेंट उससे आप ज़रूर एक बार चेक कर लिया करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।